नमस्कार दोस्तों, और स्वागत करता हूँ हमारा YouTube चैनल में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेंगलुरु से गुवाहाटी तक की फ्लाइट टिकट प्राइस कितना होता है। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साइड में रहा बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों एक बात कह दूं कि बेंगलुरु से गुवाहाटी तक की एरियल डिस्टेंस जो है वो तकरीबन 2100 किलोमीटर है और डायरेक्ट फ्लाइट ड्यूरेशन जो है वो तकरीबन 3 घंटे लगते हैं बेंगलुरु से गुवाहाटी तक। दोस्तों ये फ्लाइट टिकट जो है आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से खरीद सकते हो। ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल्स जैसे कि makemytrip.com, musafir.com या फिर yatra.com से खरीद सकते हो, और ऑफलाइन आप ट्रेवल एजेंसी से भी खरीद सकते हो। जहां पे भी सस्ती है वहां पे आप ले लीजिए। अभी फ्लाइट टिकट प्राइस देखते हैं। तो यार आप देख सकते हो makemytrip में सबसे सस्ती जो है इंडिगो दे रहे हैं डायरेक्ट फ्लाइट 5,500 रुपए में। वो शाम को 9:20 में जाएंगे और रात को 12:30 बजे पहुंचेंगे। बीच वाली फ्लाइट जो है एयर एशिया वो सुबह को 8:20 को जाएंगे और सुबह को 11:20 पहुंचेंगे। इसका प्राइस है 6,200 रुपए। और नीचे वाली जो है इंडिगो फ्लाइट वो सुबह को 8:50 जाएंगे और वो पहुंचेंगे गुवाहाटी ऑलमोस्ट 12 बजे, तो इसका प्राइस भी 6,200 रुपया है। तो सबसे सस्ती जो आप देख रहे हो रात में दे रहे हैं 9:30 बजे इंडिगो 5,500 रुपए में। कनेक्टिंग फ्लाइट की बात करें तो अकासा एयर और एयर एशिया 5,600 रुपए में दे रहे हैं और इंडिगो 8,000 में दे रहे हैं। तो इंडिगो जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो 5,500 में मिल रहे थे रात को, तो उसमें भी आप जा सकते हो। नहीं तो अगर आपको टाइम दूसरा चेंज करना तो आप कनेक्टिंग में जा सकते हो, लेकिन कनेक्टिंग में इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। अकासा एयर जो है वो वाया कोलकाता जाएंगे, 4.5 घंटे वहाँ पे रुकने होंगे। एयर एशिया जो है वो वाया चेन्नई जाएंगे, वहाँ पे भी 4.5 घंटे रुकना पड़ेंगे। और इंडिगो जो है वो वाया पुणे जाएंगे और वहाँ पे आपको 60 घंटे रुकने पड़ेंगे। फ्लाइट टिकट प्राइस आप देख ही रहे हो, अकासा एयर में 5,600 रुपये, एयर एशिया में भी 5,600 रुपये और इंडिगो में 7,900 रुपये है। तो आपका टाइमिंग्स चेक कर लीजिए, डायरेक्ट या कनेक्टिंग फ्लाइट जो है आप चेक करके वहीं पे लीजिए जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। और चलिए अभी देखते हैं अगर आप बेंगलुरु से गुवाहाटी बिजनेस क्लास पे आते हो उसका फ्लाइट टिकट प्राइस कितना होता है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो विस्तारा वाया कनेक्टिंग फ्लाइट है, लेकिन प्राइस जो है 62,000 है ऊपर वाली फ्लाइट और नीचे वाली 63,400। तो कितना ज्यादा है आप सोच सकते हो, 10 गुना से भी ज्यादा है। लेकिन ये डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं है, वाया दिल्ली जाएंगे दोनों और आपको ऊपर वाला फ्लाइट में 10 घंटे, नीचे वाला फ्लाइट में 6 घंटे रुकने होंगे। अगर आपके पास ज्यादा पैसा हो तब आप बिजनेस क्लास में जा सकते हो 62,000 रुपीज खर्च करके। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो का अच्छा लगा और आपको पता चला कि बेंगलुरु से गुवाहाटी तक की फ्लाइट टिकट प्राइस कितना होता है। कुछ भी क्वेश्चन डाउट्स और कमेंट्स पे जरूर पूछिएगा। फिलहाल वीडियो को आज ये भी खत्म करते हैं। अपना ख्याल जरूर रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।